जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ यदि आपने कॉमर्स से किया है तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, किस में गवर्नमेंट जॉब आपको जल्दी मिलेगी, किससे आपका जो कैरियर है वो जल्दी सेट हो जाएगा। तो पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक कोर्स को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है यदि आप भी जानना चाहते हैं ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए साथियों बिना किसी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। देखते हैं कि कॉमर्स के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं। साथियों यदि आपने 12th कॉमर्स से किया है, आपके पास 12th में कॉमर्स था, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है बीकॉम, यानी कि बैचलर इन कॉमर्स, यानी कि आप अपना बैचलर डिग्री ले सकते हैं किसमें, कॉमर्स में ले सकते हैं, बीकॉम आप कर सकते हैं। काफी अच्छी डिग्री है बीकॉम, आपका 3 साल का डिग्री कोर्स है। अब नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो उसके बाद में आपका ये 4 साल का कर दिया जाएगा। तो यानी कि 4 साल यानी कि 3 साल में आपका डिग्री कोर्स आपका रहेगा। यदि आप आपको आगे पढ़ाई करनी है, आगे स्टडी करनी है, तो फिर आपका ये 4 साल का होगा। आपका बीकॉम जो है एक ग्रेजुएशन कोर्स है। इसको करने के फायदे क्या हैं? यदि आप बीकॉम करते हैं तो बीकॉम करने के लिए सबसे पहला आप बीकॉम के बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएड कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको कॉमर्स का टीचर बनना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले बीकॉम करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, बीएड करेंगे। एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है, क्या आप बीकॉम प्लस बीएड भी कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड जो होता है बीकॉम प्लस बीएड, वो क्या होगा आपका 4 साल का होगा। यहां पर क्या होगा, 5 साल लगेंगे, पहले बीकॉम करेंगे फिर उसके बाद में बीएड करेंगे। तो वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपका टीचिंग का मन है तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं बीकॉम के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि यदि आपने क्या किया है, बीकॉम किया है, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं। अब एमकॉम क्यों करें, एमकॉम करने के फायदे क्या होंगे? तो साथियों यदि आप जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं उनमें प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप क्या करें, बीकॉम करें, बीकॉम के बाद में एमकॉम करें, और एमकॉम के जब आप फाइनल ईयर में हो तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दें। यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद में यदि आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप काम कर सकते हैं। और यदि आपकी यूजीसी नेट में अच्छी रैंक आ जाती है तो आपको फेलोशिप मिल जाती है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है कि आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आपको फेलोशिप मिल जाती है, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। तो यानी कि यदि आपका प्रोफेसर बनने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम के बाद में एमकॉम कर सकते हैं, और एमकॉम के बाद अब डायरेक्ट आप पीएचडी भी कर सकते हैं। यानी कि पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा, डॉक्टरेट लग जाएगा। इसके बाद में आगे बात करें कि बीकॉम के बाद में आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। जैसे बीएड होता है इसी तरीके से बीपीएड होता है। बीपीएड वो लोग करते हैं जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या वो स्पोर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं, या जैसे कि आपके जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन सभी में पीटीआई टीचर होते हैं, यानी कि जो फिजिकल के टीचर होते हैं उनको पीटीआई बोलते हैं। तो यदि आपको फिजिकल का टीचर बनना है, योगा ट्रेनर बनना है, इस टाइप का कुछ भी आपको करना है, फिजिकल में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं, बीबीएड कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है आप क्या कर सकते हैं भाई, एलएमबीए कर सकते हैं, यानी कि आपने यदि बीकॉम किया है, आपका मन है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का स्टाइल है और आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री ले सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट है आप क्या कर सकते हैं भाई, एलएलबी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि यदि आपको कानूनी पढ़ाई करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। हालांकि आप इंटीग्रेटेड एलएलबी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बीकॉम प्लस बीएड भी कर सकते हैं, तो इसी तरीके से बीकॉम प्लस एलएलबी भी कर सकते हैं। वो आपको कितना होगा, 5 साल का होगा, और यहां पर कितना समय लगेगा, 3 और 3 6 साल लगेंगे। क्लियर है आपको? अब इससे आगे जो बच्चे अपना गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जिनको अपना एक एम बना रखा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, तो यदि आपको इस तरीके से आपने मन बना रखा है तो आप क्या करें, बीकॉम करें, और बीकॉम के बाद में फिर आप अपना गवर्नमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपका एसएससी के फॉर्म निकलते हैं, एसएससी सीजीएल का, बैंकिंग का, जितने भी आपके फॉर्म निकलते हैं बैंकिंग में, वो सब सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म निकलते हैं उनको फिल करने के लिए। तो आप जो है बीकॉम के बाद में गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं वो आप भर सकते हैं सिर्फ टेक्निकल को छोड़कर। तो ये आप समझ गए होंगे बीकॉम करने के क्या बेनिफिट हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आप आते हैं
नेक्स्ट कौन सा है आपका भाई, यदि आपने कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स के बाद में जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है आपका बीबीए, यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, 3 साल का आपका ये डिग्री प्रोग्राम है। जैसे बीकॉम होता है इसी तरीके से आपका ये क्या है भाई, बीबीए है। बीकॉम आपका क्या होता है भाई, ट्रेडिशनल कोर्स होता है, ये क्या है आज की डेट में प्रोफेशनल कोर्स है। यानी कि यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, कंपनी में जाना है, कंपनी में आपको एचआर बनना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो आपको हेल्प मिलेगी किससे भाई, बीबीए से। यदि दो बंदे हैं, एक बीकॉम वाला है एक बीबीए वाला है, तो हमेशा जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी बीबीए वाले बंदे को। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट में सबको इक्वल ही माना जाता है। क्लियर है आपको? तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं भाई, बीबीए कर सकते हैं, आज की डेट में सबसे पॉपुलर कोर्स है। इसके बाद में बीबीए करने के बाद में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद में आप क्या करेंगे, एमबीए, जो कि आप मास्टरेट हो जाएंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट कोर्स कौन सा है। यदि आपका मन है कंप्यूटर के फील्ड में, आपको कंप्यूटर की फील्ड अच्छी लगती है, आपको कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है, वेबसाइट बनाना या आपको ऐप बनानी है, आप क्रिएटिव हैं, यानी कि कंप्यूटर में आपको इंटरेस्ट है कुल मिला के, तो आप क्या करें फिर, बीसीए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीसीए, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे आपका बीबीए होता है इसी तरीके से आपका बीसीए होता है। यह भी एक आपका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जो कि 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसके बाद में भी आप जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, यानी कि डिग्री कोर्स तो आपका ये होता ही होता है, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है ग्रेजुएशन के बेस पे, यानी कि टेक्निकल को छोड़कर, उन सब में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है, जैसे आपने कॉमर्स से किया है और आपने पीसीएम से नहीं किया, यानी कि आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपको जाना है कंप्यूटर के फील्ड में, आपको कंप्यूटर का इंजीनियर बनना है, तो आप बीटेक तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आप सब सारी चीजें सीखते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, कैसे वेबसाइट बनती है, कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, कैसे मोबाइल की ऐप बनती है, ये सब सारी चीजें आप सीखते हैं। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना एमसीए कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री ले सकते हैं। किसमें भाई, कंप्यूटर में, जो कि बीसीए के बाद में कितने साल का होगा, 2 साल का आपका एमसीए होगा। क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट कोर्स आपका है भाई बीसीए के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। और इससे आगे नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इंटीग्रेटेड क्या कर सकते हैं भाई, एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि बीकॉम प्लस एलएलबी, जो कि आपका 5 ईयर का कोर्स है। जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी बीकॉम की, और उसके 2 साल बाद आपकी क्या कंप्लीट हो जाएगी, एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि यदि आपको कानूनी पढ़ाई करनी है, कानूनी पढ़ाई यानी कि आपको जज तक जाना है, तो आप क्या करें, बीकॉम एलएलबी करें, यानी कि बीकॉम भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका एलएलबी भी हो जाएगा। और बेनिफिट आपको यह मिलता है कि जब आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर में होंगे, तब से ही आपके एलएलबी के जो सब्जेक्ट हैं वो स्टार्ट करा दिए जाते हैं। तो यानी कि आपका जो है बेस स्ट्रांग हो जाता है, 5 साल आप कानूनी पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं। जब आप पीसीएसजे का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, यानी कि जो जज के लिए एग्जाम होता है पीसीएसजे का, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको कोचिंग, यदि आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो भी आपको आपका जो एग्जाम है निकलने के चांसेस रहते हैं, यदि आप अच्छे से अपनी मेहनत कर लेते हैं। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं भाई, बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि 5 साल का है। इसके साथ साथ जब आपका बीकॉम एलएलबी कर लेते हैं, तो आप अपना इसके बाद में क्या कर सकते हैं भाई, एलएलएम कर सकते हैं, यानी कि मास्टरेट हो सकते हैं। किसमें भाई, आपका लॉ में। क्लियर है आपका? जो एलएलएम होता है 2 साल का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, क्या कर सकते हैं भाई आप, बीएसडब्ल्यू, यानी कि बैचलर इन सोशल वर्क। यानी कि यदि आप एनजीओ चला रहे हैं, आप यदि आपको इंटरेस्ट है इस टाइप की चीजों में, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन सोशल वर्क। इसके बाद में आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, 2 साल का एमएसडब्ल्यू होता है। नेक्स्ट जो कोर्स है आपका, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजेएमसी, जिसका आज की डेट में बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि आप यदि आपको एज अ एंकर बनना है, टीवी में, रेडियो में रेडियो जॉकी बनना है, या आपको एज अ कैमरामैन, या आपको ये सब सारी चीजें करनी है, तो आपको यदि मीडिया लाइन में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीजेएमसी कर सकते हैं। क्लियर है आपको? बीजेएमसी कर सकते हैं, ये आपको 4 साल का और 3 साल का दोनों ही मोड में ये कोर्स कराया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं भाई, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे आज की डेट में डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं। यदि आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप क्रिएटिव हैं, तो आपको एनिमेशन है,
आपके जितने भी चीजें होती हैं उन सब में आज की डेट में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स बना दिए गए हैं, चाहे वो आपका एनिमेशन की बात करें, चाहे वो आपका किसी भी चीज की हम बात करें, तो उनमें सभी में आपका जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो सब आज की डेट में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स बना दिए गए हैं। तो आप अपने अंदर टैलेंट देखिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो वहां से आप उसमें फिर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, बीए भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यदि कॉमर्स से किया है तो आप बीकॉम ही कर सकते हैं, आप बीए भी कर सकते हैं, यानी कि किसी सिंगल सब्जेक्ट को लेकर, या आप जो नॉर्मल बीए है वो कर सकते हैं, यानी कि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने का मन है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको ग्रेजुएशन करनी है जिससे आप फॉर्म फिल कर सकें, आपका जो उद्देश्य है वो है गवर्नमेंट जॉब, टारगेट क्या है गवर्नमेंट जॉब, तो आप क्या कर सकते हैं फिर नॉर्मल बीए कर सकते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट जो नेक्स्ट है बीए के बाद में, जैसे भी मैंने बताया क्या है भाई आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स है वो है डीएड, यानी कि यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है और आपको पहले बीकॉम करके फिर बीएड नहीं करना, या बीए प्लस बीकॉम प्लस बीएड नहीं करना, डायरेक्ट आपको कोई भी ऐसा कोर्स करना है जिससे आप टीचिंग लाइन में चले जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं भाई डीएड कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद में क्या कराया जाता है डीएड कोर्स कराया जाता है। क्लियर है आपका? ये 2 साल का कोर्स होता है जिसको करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं कि प्राइमरी लेवल के स्कूल में आप टीचिंग कर सकते हैं, इसके बाद में जो एग्जाम होते हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं। इसके बाद में है बीएचएम, यानी कि बीएचएम आज की डेट में इसका भी स्कोप अच्छा खासा है, यदि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है और आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं बीएचएम कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो साथियों अभी और भी बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे करियर हैं, तो यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसमें से आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो हर साल सक्षम एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, हजारों लाखों बच्चे उसका स्कॉलरशिप का लाभ उठाते हैं, तो यदि आप भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल निशुल्क है, उसका किसी भी तरीके का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है या आप किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उस पर वीडियो या आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।